नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरी YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ बाजार, और वो क्यों लेने जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे चश्मे को आप देख रहे हैं ना, ये कल यहाँ से टूट गया था और मैंने इसको टेम्परेरी मैंने ऐसे ही कर दिया कि मेरा चश्मा जो टूट गया था उसको मैंने टेम्परेरी ठीक कर दिया है। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपना चश्मा बनवा ही लूँ, क्योंकि ये बहुत तंग करने लगे है, बार बार टूटता है। तो चलिए, पहले मैं अच्छे से पौधों को पानी दे दूँ और फिर हम चलेंगे आपको लेके चश्मा बनवाने। और ये देखिए, जब भी मैं पानी देती हूँ फ्रोडो पानी पीने जरूरी आता है। आप जब भी पानी देते हैं अच्छी तरह से पानी से दें और इनको पौधों को अच्छे से धोएं भी। और गर्मियों के दिनों में तो एक दिन छोड़ के आप पानी जरूर दें। तो देखिए कितना बढ़िया से पौधे खिल जाते हैं जब पानी इनको मिलता है। पौधे जरूर लगाएं अपने घरों में, अगर आपके पास छोटा सा जगह है तो गार्डन में पौधे अच्छे से लगाएं। और अगर आपके घर पे जगह नहीं है तो फिर आप गमलों में पौधे लगाएं, पर पौधे जरूर लगाएं। होता क्या है कि जो पौधे हैं यानी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए पौधे बहुत जरूरी हैं। और ये भी पता है आप लोगों की बरसात भी इन पौधों की वजह से होती है। पौधे जरूर लगाएं आप अपने घर पे और उनका अच्छी से रख रखाव देखभाल रखें। तो ये थे हमारे पौधे, और ये पौधों को मैंने पानी दे के मैं अंदर आ गई हूँ और मैं अब अपने लिए सब्जी बना रहे हैं और साथ में मैं पराठे बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज बाजार जाने वाली हूँ, तो जाने से पहले मैं अच्छे से नाश्ता करके जाऊँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप बाजार जा रहे होते हो स्पेशली गर्मियों में, तो पेट भर के नाश्ता करके जाएं और पानी पिएं और साथ में पानी भी ले जाएं। होता क्या है कि हम अगर हल्का सा नाश्ता करते हैं और बाजार में हमको अगर देर हो जाती है तो हमको भूख लगने लग जाती है, और गर्मी की वजह से फिर क्या होता है, हम लोग फिर वहीं पे उठपटांग खा लेते हैं। तो गर्मियों में जितना हो सके आप बाहर के खाने से परहेज करें, घर का ही खाना खाएं। तो ये मेरी सब्जी गाजर मटर की तैयार हो गई है और ये मेरा पराठा भी तैयार हो गया है। तो चलिए मैं अब नाश्ता कर लूँ, फिर मिलती हूँ, चलते हैं बाजार। तो मैंने नाश्ता कर लिया था और अब मैं बाजार आ गई हूँ। तो मैं आई हूँ नई सड़क स्वस्ति गेट में, जो लेंस कार्ड की दुकान है उधर जो है एक पे एक चश्मा फ्री भी मिलता है, यहाँ आके पता लगा। तो वो ये है कि आप कौन सा भी चश्मा ले रहे हो उसके साथ जो आप एक और फ्री तब मिलेगा, आप जिस पर जिन दोनों में से जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, प्राइस होगी, उसका पे करना पड़ेगा, पर दूसरा वाला आपको फ्री मिलेगा। तो मैंने कहा चलो दो चश्मे ले लेते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इस लेंस कार्ड में, आपकी आई चेकअप भी होता है और प्लस इसमें जो है आपके इसमें इनका इंश्योरेंस भी करते हैं ये चश्मे का। तो चलिए, और जब हम यहाँ आए हैं तो मैं लेंस कार्ड के बारे में भी बता देती हूँ आपको। तो जब हम लेंस कार्ड में आए हैं तो मैं आपको लेंस कार्ड के जो ओनर हैं मिस्टर पीयूष बंसल के बारे में भी कुछ बता दूं। तो जो पीयूष बंसल हैं, उनके पिताजी सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और पीयूष ने कनाडा में जाके इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और 2007 में वो इंडिया आ गए थे। उन्होंने IIM बेंगलोर से भी अपनी पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने आके वेबसाइट शुरू की जिसका नाम था searchmycampus.com। 3 साल चलाने के बाद पीयूष ने एक साथ 4 वेबसाइट शुरू की। ये 4 वेबसाइट थी अंडरवेयर की, ज्वेलरी की, घड़ी की और बैग्स की। तो इन चारों को इन्होंने शुरू किया और फिर इन्होंने 2010 में लेंस कार्ड की शुरुआत की। लेंस कार्ड हर महीने 1.5 लाख चश्मे बेचता है और 2015 के आंकड़ों के अनुसार पीयूष बंसल की लेंस कार्ड ने का नेटवर्थ $1,000 करोड़ है। और आज देश भर में लेंस कार्ड के ऑफलाइन आउटलेट्स हैं 1500 से भी ज्यादा है। तो ये थी पीयूष बंसल की कहानी। तो मैं ये इसलिए बता रही थी आपको कि एक दिन में कोई भी अमीर नहीं होता, ना टाटा, ना बिरला, ना पीयूष बंसल, कोई भी नहीं। देखो इन्होंने पहले कितनी 4-5 वेबसाइट शुरू की जिसमें अंडरवेयर, ज्वेलरी, बैग सबका काम शुरू किया और आखिरी में इन्होंने फिर ये चश्मे का यानी लेंस कार्ड का शुरू किया और इसमें इनको सफलता मिली। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और नहीं चल रहा है तो आप करते रहें, सक्सेस एक ना एक दिन जरूर आएगी। तो ये मैंने चश्मे पसंद कर लिए थे और इन्होंने मेरा
टेस्ट भी कर लिया था ताकि कहाँ पे मेरा फोकस है, आई का जो भी इनका टेस्टिंग होती है उन्होंने उस हिसाब से कर ली। आई चेकअप मैंने ऑलरेडी करवा चुकी थी और अपने आई का जो चश्मों का नंबर लेके आई हुई थी, पर इन्होंने जो अब फोकस दिया कि कहाँ पे ये चश्मे का फोकस होता है, कुछ होता होगा, मेरे को तो इतना नहीं पता, तो वो कर लिया था। चश्मे लिए हैं और इन्होंने, मेरे को लगा मेरे को लेने आना पड़ेगा, तब इन्होंने मेरे को बताया कि आपको चश्मे लेने आने की ज़रूरत नहीं है, ये लेंस कार्ड होम डिलीवरी भी करता है। और साथ में इन्होंने मेरे को वहाँ उसको लेंस कार्ड का जो वेबसाइट ज्वाइन करवाई और उससे मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि मेरी कब डिलीवरी हो रही है मेरे चश्मों की और रास्ते में कहाँ है, कितने दिन लगेंगे। तो इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई हुई हूँ इनकी फैसिलिटीज से। और उसके बाद इन्हों मैंने पेमेंट कर दिया दो तो चलिए अब चलती हूँ मैं घर, आपको मिलूंगी किसी और कल किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए छबक है, राम राम, अपना ध्यान रखिएगा, गुड। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए छबक है, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।